सीरियल अनुपमा में वनराज और पूरे परिवार के सामने अनुज अनुपमा पर जताएगा अपना हक। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राखी दबे वनराज को ये कह के चली जाती है कि भाई उसका लेडी लग तो उसके साथ है, यानी अनुपमा उसके साथ है तो लक भी उसका ही चलेगा और किंग की वापस बिजनेस में एंट्री हो चुकी है, यानी जल्दी ही वनराज तो एक नौकर बन के ही रह जाएगा और अनुज फिर से मालिक बन जाएगा। और ये बात वनराज को बर्दाश्त नहीं होती है, जिसके चलते वो अनुज और अनुपमा को अलग करने की कोशिश करेगा और अनुपमा को फिर से साथ परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर करते नजर आएंगे। लेकिन इस बार अनुज इतनी आसानी से अनुपमा को नहीं छोड़ेगा। भाई अनुपमा ने वादा कर दिया है अनुज से कि उस दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन अनुपमा अपने फर्ज के आगे कहीं ना कहीं झुकते नजर आती है, जिसके चलते वे अनुपमा वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाती नजर आएगा और अनुपमा का हाथ थाम के अपने साथ ले जाता है। लेकिन वनराज इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और फिर से तमाशा करने की कोशिश करेगा और इमोशनल ब्लैकमेल अनुपमा को करेगा, जो कि वनराज का ये ड्रामा अनुज को समझ आ जाता है, जो वो उसे कॉल करके चिढ़ाता है कि पैसों की जरूरत हो तो हमसे ही मांग लेते हैं। और अनुज को ये चालाकी समझ आ गई है कि वो जानबूझकर अनुपमा को फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका साथ छूट जाए और अनुज फिर से अकेला हो जाए, जिससे कि अनुज को खड़ा होने का मौका ना मिले। तो भाई यहाँ पर अनुज को इमोशनली तोड़ने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है वनराज के द्वारा, और यही वजह होगी कि अनुपमा जहाँ पर इमोशनली अनुज से दूर हो रही है, अब अनुज बहुत बड़ा कदम उठाते नजर आने वाला है। और फाइनली अनुपमा का सबके सामने हाथ थाम कर होली पर वो सबके सामने शादी का ऐलान कर देगा और कह देगा कि अनुपमा अगर यहाँ पर आएगी जाएगी तो वी मेरी पत्नी के हक से। अनुपमा का फैसला अनुपमा ने सुना दिया है, लेकिन वो दिल से कभी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती है और वो अपने फर्ज अपने हमेशा निभाएगी, मैं उसके लिए उसे कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं अब अपने प्यार के लिए अनुज इस बार अपने प्यार के लिए लड़ते नजर आएगा कि उसने जो पहले गलती कर दी वो इस बार वो गलती नहीं करेगा और 26 साल इंतजार काफ़ी हो गया है और ना अनुपमा इंतजार करेगी ना ही अनुज करेगा। इसीलिए अब होली पर सबके सामने अनुज अनुपमा का हाथ थामेगा और सबके सामने अपनी शादी का ऐलान कर डालेगा के बाद बाप पूछे इसका मुहूर्त भी निकलवाएंगे और शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी और वनराज को बहुत तगड़ा झटका अनुज देने वाला है। अब देखते हैं कि वनराज इन दोनों को अलग करने के लिए और भी क्या घटिया चाल चलेगी और किस तरह से उसका मुंह तोड़ जवाब उसे मिलेगा।